Welcome students, welcome to Maxwell Study Hub. We have already completed about the application of biotechnology, about stem cell research. Now, this is the last topic of your chapter, that is cell biology and biotechnology. And this topic ka naam hai, important stages in agriculture development. India mein kya kya hua? और ये जो पूरी जो इम्पोर्टेंट स्टेज आई वो कैसे आई, कौन कौन लेके आया, हु ऑल आर कंट्रीब्यूटर्स टू दिस एक्सेलेंट और आई कैन से वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इन एग्रीकल्चर. तो फर्स्ट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है और कैसे ये कॉन्सेप्ट हुआ, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं. ग्रीन रिवॉल्यूशन बच्चों इसलिए आया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुई, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई. अब क्या हुआ, लोगों को खाना मिलना, मतलब बेसिक नीड्स, किसी भी ह्यूमन हेल्थ, मतलब ह्यूमन को जीने के लिए जो बेसिक नीड है, खाना खाने का अनाज, वो नहीं मिल रहा था. एंड ऐसा नहीं है कि हमारे पास सोर्सेस नहीं थे, बट अब ज़रूरत थी उसे एक सही डायरेक्शन देने की, उसे एक सही दिशा देने की. एंड यस, अलॉन्ग विद दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करके अपनी, बोलते हैं ना, अनाज पैदा करने की या फसलें पैदा करने की क्षमता को बढ़ाने की, सो दैट जो गरीब हैं, जो पॉपुलेशन अचानक से जो बढ़ना स्टार्ट हुई थी, उनको, सारे लोगों को खाने की आपूर्ति हो. तो व्हाट आई हैव सेड, दो चीज़ों को अडाप्ट करने की बहुत सख्त ज़रूरत आ पड़ी. पहले तो इसको एक नया डायरेक्शन दो और दूसरी बात, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करो. सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन. So, problems of population explosion were started at the beginning of 20th century. 20th जो सेंचुरी उससे स्टार्ट हो गया. ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज, स्पेशली अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैड बीन बैडली अफेक्टेड बाय द इफेक्ट ऑफ पुअर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड. खाना जो मिल रहा था बच्चों, उसकी अच्छी क्वालिटी भी नहीं थी और जितना हमें मिलना चाहिए पेट भरने के लिए, वो भी नहीं मिल पा रहा था. एंड दैट्स वाई वेरियस मेथड आर अप्लाइड फॉर हार्वेस्टिंग मैक्सिमम यील्ड, जितनी ज़्यादा यील्ड निकाल सकें फ्रॉम मिनिमम लैंड. एक छोटे से खेत से या लैंड से, फील्ड से ज़्यादा अनाज को पैदा करने की जो एक पूरी जो मेथड अप्लाई हुई आर कलेक्टिवली नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन. नाउ ये कॉन्ट्रीब्यूशन हमें कौन लेकर आए, इम्प्रूव द अडाफ वेराइटीज ऑफ वीट एंड राइट, मतलब वीट और राइस की अच्छी एक वेराइटी लेकर आए, मतलब क्वालिटी अच्छी हुई, कम एरिया में ज़्यादा मैक्सिमम यील्ड हुई. तो पुअर पीपल जिनको नहीं मिल पा रहा था, उनको अच्छा भी खाना मिला और अधिक मात्रा में भी मिला, ताकि वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें. प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, ऐसा नहीं है, वैरायटी पे भी काम किया, फर्टिलाइज़र पे भी काम किया, एज वेल एज पेस्टिसाइड पे काम किया एंड वाटर मैनेजमेंट. इट इज़ नॉट लाइक दैट यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन ओनली सी, जैसे आप अपने एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, यू हैव टू वर्क ऑन योर, आपकी लर्निंग पे आपको काम करना होगा, आपके लिखने के तरीके पे काम करना होगा, आपके याद करने में. तो आई कैन से एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा, एक कुल मिला के एडिटिव इफेक्ट आएगा, तब आप उस रिजल्ट को या उस टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे. उसी तरह ग्रीन रिवॉल्यूशन को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व की गई, फॉर एग्जांपल वैरायटी पे काम कर दिया गया, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के यूज़ पर काम किया गया और वाटर मैनेजमेंट के ऊपर हैज़ बीन लेड टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड देयर बाय लार्ज पॉपुलेशन हैड बीन सर्व फॉर फ्रॉम हंगर, सेव फ्रॉम द हंगर. जो भूखमरी कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी, खाना नहीं मिलेगा तो भूखमरी आएगी, कुपोषित होंगे, माल न्यूट्रिशन, तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट आया. एंड येस, दैट इन हिंदी इट इज़ नोन एज हरित क्रांति. एंड द कॉन्ट्रीब्यूटर्स आर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग फ्रॉम USA एंड डॉक्टर MS स्वामीनाथन फ्रॉम इंडिया हैव वैल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्रीन रिवॉल्यूशन. 20th सेंचुरी में जो पॉपुलेशन बढ़ने लगी, हम लोगों में भूखमरी जैसी स्थिति आने लगी, खाना अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में नहीं मिला,
तो ये कंट्रीब्यूटर्स आए और इन्होंने अप्लाई किया ये सारे इन ये उन्होंने इन चार चीज़ों पर काम किया एंड ड्यू टू दैट मैनी पीपल हैव बीन सेव्ड फ्रॉम द हंगर. नाउ ग्रीन रिवोल्यूशन की अगर बात करें तो देर आर वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो विच आर वर्किंग. दो की पिक्चर मैंने रखी है, बाकी के दो यहाँ पे जस्ट लिखे हुए हैं मैंने. वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लेबोरेटरीज आर एंगेज इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ वेरियस क्रॉप्स थ्रू द रिसर्च. दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, दैट इज दिस. And new, it is in New Delhi, National Citrus Research Institute, that is in Nagpur, Santre, Maithi hai na? And aligned branches, Indian Institute of Science, National Pomegranate Research Institute in, that is in Solapur. So they all are working on the, they are development of new varieties. Now, very important, that is White Revolution. अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, अब वाइट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं. नाउ क्या हुआ था वाइट रिवॉल्यूशन में? वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया आर रिच इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. इंडिया इज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ एग्रीकल्चर. आई कैन से एग्रीकल्चर के हमारे पास बहुत, हमारा बोलते हैं ना किसानों का एक, हम कृषि जो है हमारी यहाँ की मेन मानी जाती थी, एक व्यवसाय हमारा एक बहुत बड़ा किसानों को हम. सो हमारे पास मिल्क प्रोडक्ट्स भी थे, इफ़ यू विल हरियाणा, करनाल, पंजाब, यहाँ पर भी गुजरात, तो वहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स तो थे. बट हाउ एवर दोज प्रोडक्ट्स वेर नॉट सफिशियंट टू मीट द नीड्स ऑफ फार फ्लच रीजन. अच्छी क्वालिटी देनी हो, अच्छे से करना हो, हर इंसान तक पहुँचे, हमारे पास है बट हर इंसान तक सही रूप में पहुँचे ऐसा नहीं हो पा रहा था. एंड दैट्स वाई द मिल्क मैन ऑफ इंडिया ही हैज डिसाइडेड डॉक्टर एंड हिज नेम इज डॉक्टर वर्गीसी कुरियन प्रूव थ्रू द कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट डेयरी कैन नॉट बी अलाइंड बट इट विल बी अ मेन स्ट्रीम बिजनेस. ही इज द ओनली पर्सन जो दूध व्यवसाय को लेकर आए कि इट्स अ मेन स्ट्रीम बिजनेस. अब बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक तो सबसे एग्जाम्पल है पाश्चराइजेशन. पाश्चराइजेशन क्यों कर रहे थे बच्चों? माइक्रोबायोलॉजी में मैंने क्यों बताया था, इससे क्या हो रही थी, उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ रही थी. तो उस चीज़ को इसमें डाला गया कि भाई मिल्क जो है, मिल्क प्रोडक्ट है, उनको पाश्चराइजेशन का एक प्रोसेस करवा दो. आई एम जस्ट गिविंग अ सिंपलेस्ट एग्जाम्पल कि एप्लीकेशन कैसे किया बायोटेक्नोलॉजी का. पाश्चराइजेशन लेकर आओ, अरे दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ाओ, मेन स्ट्रीम बिजनेस हो जाएगा, लोगों को इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी, अलॉन्ग विद दैट दूध की भरपूर मात्रा भी मिलेगी. He put the cooperative dairy movement of Anand Gujarat at all time high status and he is the milkman of India. While achieving the self-sufficiency in dairy business, various experiments were performed for quality control, new dairy products and their preservation. दूध का तो बढ़ा ही मतलब उत्पादन, पर उसके साथ उसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं और उसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कैसे कर सकते हैं, इस पर भी काम हुआ. एंड एट द एंड इट हैज़ लेड टू अ रिवॉल्यूशन, दैट इज़ वाइट रिवॉल्यूशन. नाउ अब थर्ड है ब्लू रिवॉल्यूशन. ब्लू रिवॉल्यूशन कुछ हिंट लगा? यस, एक्वेटिक लाइफ. Production of various useful aquatic organism with the help of water is called as blue revolution. Farm ponds and the fishes are very important in East Asian countries. However, people are not only thinking about cultivating the fishes and shrimps but other aquatic and plants and animals too. Government of India has vowed to increase the production by encouraging the people of pisciculture by launching the program Neel Kanti Mission. ये launch हुआ था. 50% to 100% subsidies are offered in this. तो blue revolution को support करने के लिए government भी of India ने भी अपना एक initiative लिया. They came with a Neel Kanti Mission in 2016 और उस पर subsidies का ये offer हुई.
Now, marine and freshwater fishery is possible on large scale because of the blue revolution. Freshwater fishes like rohu, katla and other fishery products like shrimp and lobsters are being cultured on large scale. So, blue revolution hua, suvidhaen mili, government ka support mila. तो ये सारी चीज़ें जो एक्वेटिक एनिमल्स से इनका प्रोडक्शन इनका कल्टीवेशन लार्ज स्केल पे होने लगा. कमिंग टू फर्टिलाइजर, देर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, एक होता है केमिकल और एक होता है बायो फर्टिलाइजर. सो वन ऑफ दिस इज, ये तो एक वास्ट डिफरेंस बताया. अब नाउ कमिंग टू दिस फर्टिलाइजर, टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर आर यूज इन एग्रीकल्चर. वन ऑफ दीज इज ऑर्गेनिक मैन्योर विच इज कमिंग इन टू द कैटेगरी ऑफ बायो फर्टिलाइजर एंड अदर आर केमिकल फर्टिलाइजर. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वेन यू पुट फर्टिलाइजर उसकी जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द यूज ऑफ, हाँ तो जब आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो उससे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी तो फसल के लिए की ग्रोथ के लिए वो सपोर्ट करेगी. अपर लेयर ऑफ द सॉइल एसेंशियल इन एग्रीकल्चर इज फॉर्म ड्यू टू द ह्यूमस फॉर्मेशन. सो दिस इज बायो फर्टिलाइजर. नाउ वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम कैन बी अवेलेबल टू क्रॉप्स ड्यू टू द अर्थवर्म एंड फंजाई एंड दैट्स व्हाई अर्थवर्म कम इनटू द कैटेगरी ऑफ फार्मर्स फ्रेंड. In soil-less farming, that is hydroponics, liquid chemical fertilizers are used. However, there are more harmful effect of chemical fertilizer. They enters to our food chain. इसे जो उसको consume कर, मतलब एक बार अगर food chain में घुस गए ये chemical fertilizer, तो जाहिर सी बात है जो भी जो हम सब food chain में connected हैं तो पूरे के पूरा जो पूरी cycle है वही disturb होगी और साथ में हर ग्रुप को इफेक्ट होगा. इट इंक्लूड्स डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑल्सो एंड दैट्स वाई केमिकल फर्टिलाइजर पिक्चर में आए. नाउ कमिंग टू द इंसेक्टिसाइड, ये सब एप्लीकेशन है बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू मोर स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर. दो द नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ प्लांट्स कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शंस बट यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड इज नॉट अंडर कंट्रोल. In respective of natural friends of farmers like frog and insectivores, bird, pesticides, इनको साथ होने के बावजूद pesticides को बहुत use किया जा रहा है. Pesticides are the fact, in fact they are the type of poison. DDT और ये chlorofluorocarbons use करते. This poison enters into the food chain through the water and food and its biomagnification occurs. For example, DDT, malathion, chlorofluorocarbons have been proved to be dangerous. So these are the chemical insecticides. Now organic farming, सबने सुना होगा बहुत ही ट्रेंड में है, बहुत लोग करते हैं. Some people have their own, जिनके पास farm होते हैं आउटसाइड मतलब शहर के बाहर जब उनका एक कोई फार्म रहता है दे ऑल प्रेफर. और हम एक उनकी बकेट लिस्ट में होता है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है. सो व्हाट इज, लेट्स सी व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. नाउडेज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैव बिकम अ बज़वर्ड्स, एम आई राइट? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर बीइंग अवेलेबल एंड डिमांड ऑफ देम इज एवर इंक्रीजिंग. व्हाई जस्ट गेटिंग इंक्रीज? बिकॉज वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है, वहाँ पे इंसेक्टिसाइड नहीं है, तो वो फुल्ली एक प्योर फॉर्म है, फुल्ली नेचुरल फॉर्म है, मतलब केमिकल रहित फसल है, खाना है, अनाज है, तो उसको खाने से आपके में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होंगे, कोई स्किन सेफ्टी है, बहुत अच्छा सेफ फूड हो जाता है. तो उनकी डिमांड बहुत इंक्रीज हो रही है. केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड हैव बीन यूज्ड ऑन लार्ज स्केल. दीज पॉइजनस केमिकल रीच टू द ह्यूमन बॉडी थ्रू द फूड एंड वाटर एंड देयर बाय एडवर्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट बिकम एपेरेंट. So that's why organic farming. Various problems like soil fertility and pest infestation have become serious. So as to overcome these problems, farmers are अब किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? Chemical insecticide और pesticides का इतना दुष्प्रभाव देखने के बाद अब हम किसकी तरफ move हो रहे हैं? हम organic farming की तरफ बढ़ रहे हैं. It includes complete ban on
केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड. आप किसी आप तब तक नहीं बोल सकते कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ अगर जब तक आपने पूरा केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग बंद नहीं किया. इफ़ यू आर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर इन योर क्रॉप्स और उस क्रॉप्स के डेवलपमेंट में, सो यू आर नॉट डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिकल फार्मिंग मतलब कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया जाएगा. फॉर फर्टिलाइजर आपको बायो फर्टिलाइजर यूज़ करना पड़ेगा एंड पेस्टिसाइड एंड यूज़ ऑफ लोकल स्टडी वेराइटीज़ एंड देयर फॉर मेंटेनिंग अ नेचुरल बैलेंस. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन बट विथ नेचुरल बैलेंस. डेफिनेटली दिस इज़ अ वेलकम डिसीजन. नाउ एपिकल्चर. एपिकल्चर में क्या होता है? आपने वो मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसमें हनी कैसे कलेक्ट करते हैं? आइदर उनको बर्न करते हैं वो टॉर्च से या फिर उसको कट करते हैं. पर ये बहुत ही गलत है तरीका टू कलेक्ट दी हनी. सो उसके में भी बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है उसको देखते हैं ज़रा. यू मस्ट हैव सीन द बीन हाइव. वही मधुमक्खी का छत्ता वर्स्ट मेथड है ऑफ हार्वेस्टिंग एंड कलेक्टिंग द हनी फ्रॉम दीज हाइव्स इज ड्राइविंग अवे द बी. मतलब मधुमक्खियों को निकाह हटा दो वहाँ से बाय और बाय स्मोकिंग. उसको कैसे जला देते हैं उस मधुमक्खियों को? बाय बर्निंग टॉर्च. और जैसे वो मधुमक्खियाँ वहाँ से हट जाएंगी उसको फिर कट करेंगे उस छत्ते को पीसेस में. दिस मेथड कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइव्स. मतलब वो छत्ता वो जो रॉ मटेरियल वो भी ख़राब हो जाएगा एंड लास्ट स्केल डेथ ऑफ बीज. इसमें कई मधुमक्खियों की मतलब आप एक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब ही कर रहे हो. तो अब बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया? हाउ एवर इट इज़ इजी टू कलेक्ट द हनी विदाउट डिस्ट्रॉइंग द हाइव्स एंड बीज इफ आर्टिफिशियल बिनी बॉक्स बी बॉक्सेस आर यूज लाइक दिस. आर्टिफिशियल बी बॉक्स है, इसमें बहुत सिंपल है, आराम से. मतलब धुआं स्मोकिंग नहीं करनी पड़े, स्मोक नहीं करना पड़ेगा, जलाना नहीं पड़ेगा और मधुमक्खियों की भी लाइफ सेव हो जाएगी. नाउ कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट. यस, लेट मी टॉक अबाउट दिस. वी हैव अ गुड एक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हेरिटेज है ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन. आज भी जब आप गिर जाते हैं और हल्की सी चोट लगती है, खरोच आती है, मम्मी क्या लगाती हैं हाथ पे? हल्दी लगा देती हैं तुरंत. क्यों? बिकॉज शी नोस कि इसमें इफ़ेक्ट है. बाद में पता चला कि कौन सी चीज़ें मतलब थे, कौन सी चीज़ उसमें ज़्यादा एक्टिव, पर पहले ये ट्रेडिशनल मेथड है हमारा. अभी भी जब आपको खांसी जुकाम या खांसी है या बहुत थके कहीं से ठंडे से आ रहे तो मम्मी तुरंत दूध में हल्दी डाल के दे देती हैं. नाउ ऑल्सो इन दिस पेंडेमिक ऑल्सो वी आर मतलब गोइंग टू वो काढ़ा पीना. और इन सब में क्या है? मेडिसिंस हैं. इसमें क्या है? मेडिसिन प्लांट को यूज़ कर रहे हैं आप. फिर यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दैट हल्दी का एड इन दैट ही सेज करक्यूमिन है हल्दी में. ये सब क्या है? ये ट्रेडिशनल मेथड है. ये सब जो ये छोटे छोटे सम ये जो मेडिसिन प्लांट है वो स्पाइस मसालों के रूप में स्पाइस के रूप में यूज़ किए जा रहे हैं. कई को हम ऐसे खाने में यूज़ करते हैं. कड़ी पत्ता इज ऑल्सो इट्स ऑल प्लांट. तो वी नो अबाउट द मेडिसिन प्लांट. और उन मेडिसिन प्लांट को ड्यू टू फॉरेस्ट अभी जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन मतलब बहुत बढ़ रहे हैं उसके लिए तो हमने क्या किया? हमने फॉरेस्ट को कट करना चालू किया. तो ये मेडिसिनल प्लांट कहाँ ग्रो होंगे? तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी ने वहाँ भी अप्रोच किया और वहाँ पे भी यू हैव टू कल्टीवेट दिस मेडिसिनल प्लांट. सो नाउ लेट्स सी. इंडिया हैज़ बीन गिफ्टेड विद द ग्रेट बायोडाइवर्सिटी. इंडियन सिटीजन हैव एस्टैब्लिश्ड द हम्बल एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद नेचर. यस, हम पूजा करते हैं तुलसी के पौधे की, हम नीम को अपने घर में लगाना पसंद करते घर के आंगन में बिकॉज वी नो अबाउट उसके बोलते हैं ना एक होलिस्टिक अप्रोच को हम एक्सेप्ट करते हैं, हमें वो बसा हुआ है. वी हैव अ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ आयुर्वेदा. यस, एंड दैट क्योर्स द डिजीज विद द हेल्प ऑफ नेचुरल सोर्सेस. ड्यूरिंग अर्लियर डेज मेडिसिनल प्लांट्स वेर कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. हाउएवर Due to depletion in forest area, medicinal plants are becoming rare and hence medicinal plants need to be cultivated. ये आपका नीम है और ये है अड़ुलसा. इन दोनों के बहुत अच्छे medicinal use है. Now, last topic that is food processing. Food
सॉरी फ्रूट सॉरी फ्रूट प्रोसेसिंग फ्रूट प्रोसेसिंग क्या है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्रूट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उनको प्रिजर्व किया गया, उनकी सॉर्टिंग की गई, उनको ऐसे फॉर्म में रखा गया ताकि आप साल भर यूज़ कर सको। कुछ फलों के एक ही सीज़न होता है, उसी सीज़न में मिलते हैं, बट आपको उसके बोलते हैं ना जूस, आपको ऑलरेडी मार्केट में हमेशा साल भर मिलते हैं, कैसे मिलते होंगे? वो जो टेट्रापैक में जो आप जूसेस पी रहे हो वो किस चीज़ का प्रोडक्ट है? बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस एप्लीकेशन है। सो वी आर डेली यूजिंग वेरियस प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रूट्स, ऑल आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स लाइक चॉकलेट जूस जैम्स एंड जेलीज। मिक्स फ्रूट वाली जेली, अरे जैम सबको पसंद है, मिक्स फ्रूट कहाँ से आया? उसको मिक्स किया, उसको क्वांटिटी में उसको प्रिजर्व कैसे किया? बायोटेक्नोलॉजी। ऑल दीज प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय प्रोसेसिंग ऑन फूड। तो फ्रूट्स को जब प्रोसेस करते हो तो ऐसा कुछ मिलता है, जेली आमरस एंड ऑल। फ्रूट्स आर परिशेबल एग्रो प्रोडक्ट्स, सो दे आर आगे ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से रखना है। तो कैसे रखना है? इट नीड्स द प्रोसेसिंग इन सच अ वे दैट इट कैन बी यूज थ्रू आउट द ईयर। उनकी मतलब देखो, सॉर्टिंग अच्छे से करो, फिर उनको अच्छे से धो साफ करो, फिर सुखा कर रखो ताकि, और उसके बाद जो उनकी प्रोसेसिंग मतलब जैम जेली जैसे भी बनाना हो, और अगर रॉ फॉर्म में भी रखना हो तो कैसे रखना है ये सब, सो दैट पूरे साल भर यूज़ किए जा सके आराम से, कमी ना हो पाए। तो फिर से फूड प्रोसेसिंग, दैट इज़ अनदर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस प्रोसेसिंग में क्या होता है, स्टोरेज इन कोल्ड स्टोरेज टू ड्राइंग, कोल्ड स्टोरेज में माइनस में भी टेम्परेचर में रखे जाते हैं फ्रूट्स, सॉल्टिंग नमक लगाकर रखा, प्रिजर्वेशन किया, एयर टाइट पैकेजिंग सो दैट अवॉइड किया उसके ऑक्सीडेशन को, प्रिपेयरिंग मुरब्बा एंड इवोपरेटिंग। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फ्रूट प्रोसेसिंग। सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। For with this we have completed the chapter of cell biology and biotechnology. Hope you understood that understood this chapter. Koi bhi question ho, write in the comment box, or else you can ask in class. Thank you.